हेलो, सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम डॉक्टर जी कौन साहब, कहाँ? अशरफ बात कर रहे हैं। जी मेरी जान, बोल रहा हूँ। कौन साहब बोल रहे हैं, कहाँ से? मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम असद है जी। असद जी, फरमाएं क्या पूछना चाहते हैं। मुझे अपने जानवर के बारे में थोड़ा वो करनी थी कि मेरा जानवर हम लोग कराची से लिया हमने मवेशी मंडी से ना, तो जी वो चारा सही नहीं खा रहा है। वो कौन सा जानवर है, बड़ा है या छोटा? बकरा लिया है या बैल है? जानवर बड़ा लिया है, बैल है। जानवर बैल बड़ा है है, बैल है जी। तो वो खाना नहीं खा रहा। जी सही नहीं खा रहा। उसको हमने काफी चीजें ट्राई कर ली, उसमें भूसे टुकड़े, खली और कुत्तर, चोकर, भूसा, ये सब मिक्स विक्स करके दे रहे हैं, वो नहीं खा रहा। फिर उसको हम सूखा दे रहे हैं तो सूखे में थोड़ा खा रहा है, फिर मुंह हटा रहा है। सुखारी वो सुखारी वो शुरू सब नहीं में कर रहा है असल में ये आदि होते हैं, डिफरेंट है चारा के। जी। वो जब हम यहाँ लाते हैं तो उनका चेंज जब करते हैं ना, तो जी फिर वो इसलिए भी रغبत से नहीं खाते। लेकिन फिक्र नहीं करना, आप इस तरह करें, एक स्टॉमिक पाउडर मिल जाएगा वहाँ, अगर मिला बना बनाया मिल जाए तो वो इसको दें, कॉमिक पाउडर स्टॉमिक पाउडर। सही। अगर नहीं तो वो खुद भी घर में बना सकते हैं, लेकिन चूंकि दिन थोड़े रह गए हैं इसलिए आप लोग, मुझे मालूम है कि ये तरद्दुद नहीं करेंगे, बना बनाई चीज ले आएंगे। सही ठीक है ना? तरद्दुद अगर कर लें तो सौंफ और दो तीन चीजें ही दे दें तो उससे बहुत फर्क पड़ जाएगा और खाना शुरू कर देगा। नहीं, वो खा तो रहा है लेकिन बहुत कम खा रहा है। खा रहा है, थोड़ा काम खा रहा है, फिर मुंह हटा लेता है, फिर थोड़ा खाता है बहुत कम, फिर मुंह हटा लेता है। यही तो मैं कह रहा हूं मेरी जान, कि अगर वो आप चाहेंगे कि वो चारा रग़बत से खाए और जी कोख भर के खाए, या उसकी निकले कोख बाहर, तो और उसको भूख लगे और बदहजमी भी ना हो, तो उसके लिए मैं एक स्टॉमिक पाउडर का फार्मूला देता हूं। लेकिन चूंकि मुझे पता है कराची वाले बहुत सारे लोग जो हैं वो तो यहां तक भी गवारा नहीं करते कि उनको कोई चीज लिखवाई जाए तो वो लिख लें, वो कहेंगे जी मुझे मैसेज कर दें। वो बहुत नवाब लोग हैं और वो नहीं कहाँ ही लिखते। तो मेरी जान, वो कहाँ काम करेंगे, ये आप कहाँ बनाएंगे? तो बेहतर है आप बाजार से स्टॉमिक पाउडर ले आए। आप लोग हैं पिज्जा खाने वाले, आप लोग घर में तो नहीं रोटी खाएंगे, खाएंगे तो पिज्जा ले आए, पिज्जा मंगवा लें, तो इसी तरह स्टॉमिक पाउडर ले आए, वो इसको दें। अगर बना सकते हैं तो मैं लिखवा देता हूँ चीजें चंद एक। लिखवा दे, घर ले आएंगे? की चीजें हैं। नहीं, ये वहां से लेनी पड़ेंगी। ये मार्केट में एक होती है पंसार की दुकान, वहां जाना पड़ेगा, वो तकलीफ आपको करनी पड़ेगी। आप अगर मुझे चीजें बता दें। अगर आप तकलीफ कर सकते हैं तो वहां चले जाएं। और वैसे ये बना बनाया कहाँ से मिलेगा? वही पंसार की दुकान से। नहीं, वो मिलेगा आपको जहाँ ये जानवरों की मेडिसिन्स मिलती है ना, वहां से मिलेगा, या जो जानवरों की खुराक मिलती है वहां से मिलेगा, जहाँ वंडा वगैरह उनको मिलता है, राशन मिलता है, वहां से मिल जाएगा। चलिए आप मुझे फिर ये लिखवा दे सामान ना, मैं फिर ले आता हूँ। आप लिखें सौंफ ले लें 500 ग्राम। सौंफ लिखो 500 ग्राम। देखे ना, आप खुद नहीं लिख रहे, किसी को लिखवा रहे हैं। ये है ना, ये बेटा, मेरा बेटा, मेरा भाई, आप लोगों का मिजाज है। आप लोग नहीं लिखते, लिखाते हैं। आप लिखवाएं जी इनको, कहें सौंफ, या जो लिख रहे हैं उनको कहें मेरी बात सुन लें। नहीं, वो असल में मेरी सिस्टर है ना, वो लिख रही है, हाँ तो मेरी बेटी है जी बताए। ना, मेरी बेटी, मेरी चलो सिस्टर है, उसको कहें मेरा बेटा लिखो सौंफ।
सौंफ मेरा बेटा लिखें 500 ग्राम, मिर्च स्याह लिख लें 100 ग्राम। हाँ स्याह मिर्च, शाबाश, काली मिर्च, ब्लैक पेपर जिसको जी कहते जी हैं। इसी तरह मेरा बेटा एक होती है अजवाइन, अजवाइन जी लिख लें 250 ग्राम। जी और एक मीठा सोडा मिलता है ये सोडियम बाइकार्बोनेट, ये को 200 ग्राम। नमक स्याह लिख लें या काला नमक जो होता है, 250 250 ग्राम। और सफेद नमक भी 250 ग्राम। ठीक है मेरा बेटा, ज्यादा नहीं मैं आप चीजें लिखवाता, ये और कुछ गुड़ ले आए या शक्कर, गुड़ ले लें या शक्कर ले लें। है शाबाश, वो कोई 1 किलो गुड़ ले लें। हाँ 1 किलो, ये जो इतनी चीजें दूसरी कही है ना, इनका बनाए सफूफ, सफूफ बन जाएगा तो फिर गुड़ के साथ मिला के तो इनके बॉल बना लें, या इनको बॉल से बन जाएंगे पिनिया या गोलियां, ये बॉल नहीं होता क्रिकेट वाला, उसके बराबर दे, इसको खिला दें, आज भी खिलाएं, कल भी खिलाएं, परसों भी खिलाएं, 3 दिन, वो उससे ये होगा मेरा बेटा कि ये इसका चारा खाने को की तरफ ये रागिब होगा और खूब ये खाएगा, और इसको बदहजमी भी नहीं होगी, जो ऑलरेडी खाया होगा वो भी हजम होगा। ठीक है मेरा बेटा, ये करना है, और इसको कोई रोटियां वोटियां नहीं खिलानी, और पानी फ्रेश पिलाना है, और जितना भी पानी पिला सकते हैं फ्रेश देना है पानी, और मीठा पानी, मीठे से मुराद है कि कड़वा पानी नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरा बेटू, ओके, अल्लाह फजल करेगा, दुआ भी करूंगा, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। डॉक्टर ओके ठीक है मेरा बेटा, आप ये कर ले, ये बस हाथ से यूं एक बन जाता है ना बॉल, तो बॉल को अब आप लोग तो किसी कोई देख लें जो हैंडल कर सकता हो इनको, वो मुंह में डालेगा तो दे देगा, खा लेगा ये। ऐसे बॉल बना के गोला और उसके मुंह में उतारना। हाँ डालना है, और अगर नहीं तो कोई बंदा है तो इसको बकायदा आप पानी में 100 ग्राम इसको लेके इसका, और पानी में घोल के नल के जरिए भी, या उसके जरिए ड्रेंचिंग गन होती है उसके जरिए पिला देते हैं। चले सही, इसको पानी में अगर जैसे वो ना खाए तो फिर पानी में घोल के इसको पिला दें पिला 100 ग्राम। दें, ठीक है मेरा बेटा, ये करना है। जी डॉक्टर, थैंक ओके, यू, बिस्मिल्लाह बहुत बहुत बिस्मिल्लाह, शुक्रिया। बुरा नहीं बहुत मनाना मैंने आपको, अगर नहीं नहीं कोई, आपने हकीकत बोली है ये बात। मैं हकीकत बताता हूं ना, क्योंकि मेरा हर वक्त हर जगह से मुझे कॉल्स आती हैं, और हर मजाज का मुझे पता चल चुका है कि कराची वालों का मजाज क्या है, सिंध वालों का, जो इंटीरियर वाले हैं वो तो इतनी बदतमीजी से बोलते हैं, वो कभी साहब नहीं कहेंगे, कहेंगे अशरफ बोल रहा है, डॉक्टर अशरफ है, मेरी बात सुनो, ये बताओ, तो वो लोग हैं, वो उनका मिजाज है, उनमें जरा तमीज नहीं है, क्योंकि उनकी शुरू में उनकी एजुकेशन ऐसी हुई हुई है। ठीक है ना? आप सही बात कह रहे हैं। हाँ जी मेरा बेटा, इसलिए मैं तो, लेकिन मेरी मेरा मिजाज है उसमें हमेशा मैं आजजी से पेश आता हूँ, आजजी से बात करता हूँ, वो समझते हैं शायद ये हमारा नौकर है और ये हमारा गुलाम है, तो वो इस तरह कहेंगे अशरफ ये बताओ, ये बताओ बताओ करते हैं, तो मैं कहता हूँ चलो यार कोई बात नहीं, मेरा काम है नेकी करना, उनका काम अब उनके, समझे, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अल्लाह सही सही हर अमल का नीयतों पे डिपेंड करता है ना, कैसी नीयत है। ठीक है, बिस्मिल्लाह, दुआ भी करूंगा, अल्लाह ताला आपकी परेशानी दूर करेगा और ये खाए पिएगा, ठीक है, फिर मुझे बताना है इसने जी, इसका, मैं आपको कॉल ठीक है, करूंगा। मैंने तो आज अभी, भेज दूंगा उसको। मैं देखो ना, अभी ये 2:15 बजने वाले हैं, ठीक है ना, तो ये मैं इस वक्त नॉर्मली मैं 1 बजे तक कॉल्स लेता हूं, लेकिन 2 बजे
हैं, लेकिन मैं हो सकता है रात तक लेता रहूं, क्योंकि मैं समझता हूं इस वक्त लोगों को प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी वक्त पे अगर उनको सही मशवरा मिल जाए और उनका बैल कई एक जगहों पे आ मुझे एक आया तिकाल, वो मैं इसको अपलोड करूंगा, इमरजेंसी में था सियालकोट से, तो वो उनके उनने जहरीले ये खा लिया, चारा चारा ही जहरीला था, वो होता है सोरगम का, सोरगम का खाया उन्होंने और वो एक मर गया उनका जानवर, और दूसरों को बचाना था मैंने, तो उनने मुझे कॉल कर दी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी उनकी मुझे दोबारा से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आएगी कॉल, फीडबैक देंगे, वो बच जाएंगे इंशाल्लाह ताला। चले ठीक है, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, सही, ओके दुआओं में डॉक्टर, याद रखे, थैंक अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज, शुक्रिया। ओके बिस्मिल्लाह अल्लाह हाफिज। इस प्रोग्राम का इख्तिताम कुरान करीम पारा नंबर 1 सूरा नंबर 2 आयत नंबर 127, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउ अलीम। ए अल्लाह, ए हमारे रब, रब्बना ए हमारे रब, हमारी दुआ कबूल फरमा, बेशक तू ही सुनने वाला और जानने वाला है। सदकल्लाहुल अज़ीम। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी और यूरोप और बैरूने ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333-5121-879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से राबता करें। शुक्रिया।